नमस्कार, मैं यामिनी दुबे, स्वागत है आपका clips.in में। प्रदेश भर में कोरोना की पहले पॉजिटिव मिलने के बाद से धारा 144 लागू किया गया, जिसका असर आज पूरे प्रदेश में देखा गया। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के शास्त्री मार्केट में ग्राहकों की आवाजाही नाम मात्र की रही। बाजार का हाल बता रहे हैं हमारे चीफ रिपोर्टर राहुल चौबे। प्रदेश भर में कोरोना की पहली पॉजिटिव मिलने के बाद से धारा 144 लागू किया गया, जिसका असर आज पूरे प्रदेश में देखा गया। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर के शास्त्री मार्केट में ग्राहकों की आवाजाही ना मात्र की रही। सब्जी व्यापारियों का कहना है कि गुरुवार शाम को आलम यह था कि खरीदारों की भीड़ को संभालना कठिन था, लेकिन आज इक्का दुक्का लोग ही सब्जी खरीदने पहुंचे। ग्राहक 1-2 किलो सब्जी की जगह 5-10 किलो तक सब्जी की खरीदारी करते नजर आए। व्यापारियों के अनुसार इसका कारण लोगों में एक डर था कि आने वाले दिनों में मार्केट बंद रहेंगे। जो सामान नहीं बिकने वाला भी सामान, कचरे में फेंकने वाला भी सामान पैसे में बिक गया। आज का मार्केट अभी भी झूल तूल चल रहा है, कल दोपहर में जैसे चलता रहा। जो बाजार रेट में तरबूज 7 रुपये बिकने था, वो तरबूज आज 5 रुपये में बिक रहे हैं, और ऐसे नुकसान हो रहा है किसानों का, इसका देश का बहुत से ज़्यादा, हर किसानों का लाखों का मतलब नुकसान हो रहा है। महानदी में बारिश आया और बारिश के चलते महानदी में बाढ़ भी आया। आदमी जो 1 किलो प्याज ले जाता था, वो आज की डेट में कि बंद हो जाएगा करके घबराहट में चर्चा से कंपल्स में नहीं आ रही। कोई व्यक्ति आज सुबह से आए हुए, सभी जितने मैं अभी तक बैठा हुआ, कोई व्यक्ति 1 से 2 किलो प्याज नहीं ले गया, सब 5 किलो 7 किलो 5 किलो 7 किलो। कुछ तो ऐसे भी हैं जो सीधा आधा बोरा मंगना पसंद करें, 1 बोरा लेने में सक्षम तो नहीं है, लेकिन पर्सनली 20 किलो 25 किलो मंगा। यही अभी है कि आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ नहीं होना है, प्रति व्यक्ति जो रोज़ ले रहे हैं सामान वो उतना ही ले, आने वाले समय में दुकान खुलेगी। साफ साफ नरेंद्र मोदी ने बोल दिया है कि आपके ज़रूरत के लिए जो सामान लगता है डेली रूटीन का, वह बंद नहीं होगा, तो आदमी की घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सामान लग रहा है, जितना किलो ले जा रहे हैं डेली, उतना ही ले जाए, ज़्यादा ना रखें। वहीं सब्जी खरीदने पहुंचे जागरूक ग्राहकों ने clips.in के जरिए लोगों से अपील की कि जागरूक रहे, सतर्क रहे। तरफ से भी अच्छा है, मतलब लोगों को अवेयर रहने की जरूरत है। अभी तो मार्केट में रेट इतने नहीं बढ़े हैं, आगे जाके बढ़ सकते हैं। अभी जब मास्क की, दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है हर चीज, और लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी रखें, मास्क पहन के चले, ज्यादा बाहर आना जाना ना करें, घर में रहें ज्यादा। रेट होगा ठीक है, सब कुछ मिल रहा है, गवर्नमेंट भी पूरा, प्रशासन भी पूरा साथ दे रही है लोगों का, और लोगों को भी गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, और कोरोना वायरस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको संयम रखें, सब कुछ ठीक रहेगा। रेट्स वगैरह में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, जो जनरल रेट में मिल रहा था वैसा ही मिल रहा है, और थोड़ा सा एहतियात तो रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अपन कोई भी चीज़ के प्रति केयरलेस हो जाए, आदमी को केयरिंग तो करना जरूरी है। बहरहाल पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू है, कोरोना वायरस का खतरा पूरे विश्व सहित प्रदेश में भी मंडरा रहा है। आप सतर्क रहे, बचने के उपायों का पालन करें, लेकिन आपके लिए सब्जी मार्केट बंद नहीं, खुला रहेगा। राहुल चौबे, clips.in। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।